भोजपुरी फिल्मों के मेगा स्टार रवि किशन की बेटी रीवा शुक्ला भी अब अभिनय के क्षेत्र में कदम रख रही हैं। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जिस निर्माता नितिन मनमोहन की फिल्म आर्मी से रवि किशन की पहचान बॉलीवुड में बनी थी, उसी की फिल्म से रीवा भी बॉलीवुड में कदम रख रही हैं। रीवा ने बताया कि वह अमेरिका में थी तब पापा रवि किशन के दोस्त मोइन बेंग अंकल का फोन आया और उन्होंने ही खुशखबरी दी। रीवा की पहली फिल्म में पादनी कोल्हापुरी का बेटा प्रियांक भी अभिनय के क्षेत्र में उतर रहा है, जबकि अक्षय खन्ना भी इस फिल्म में होंगे। रवि किशन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि रीवा का बचपन भी मुझे अभिनय करते हुए और अभिनय का गुड़ सीखते बीता है और वो जन्मजात कलाकार है, ऐसे में इस फील्ड में उसका भविष्य उज्जवल है। आपको बता दें कि रीवा ने नसरुद्दीन शाह के प्ले ग्रुप के साथ एक साल तक अभिनय, यही नहीं उन्होंने अमेरिका के एक्टिंग क्रॉप इंस्टीट्यूट से भी 1.5 साल तक अभिनय का शिक्षा भी लिया है। नमस्कार, हम हैं रवि किशन और जिस तरह आप लोगों ने मुझे 25-26 साल प्यार दिया सिनेमा में हर भाषा में, अब हमारी बिटिया भी आ रही है। हमने सोचा नहीं था लेकिन वो नसीरुद्दीन शाह के ग्रुप में एक्ट करती थी, उसके बाद वो एले गई, लॉस एंजलिस गई, लंदन गई, उन्होंने सिनेमा की पढ़ाई की और दोबारा वो वहाँ जा रही थी कंटिन्यू करने, उनको एक फिल्म मिल गई और सब कुशल मंगल है, सब कुशल मंगल है फिल्म का नाम है। नितिन मनमोहन जी जिन्होंने आर्मी बनाई थी और भाग्य का चक्र देखो वही इन्हीं को लेकर बना रहे हैं, अक्षय खन्ना भी है इसमें। पद्मिनी कोल्हापुरी जी जो सुपरस्टार हैं अपने जमाने की, उनका बेटा हीरो टुटू शर्मा जी का, सो एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म के साथ रीवा किशन लॉन्च हो रही है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा। करण कश्यप बिहार के हैं, जो डायरेक्टर हैं वो मणि रत्नम के साथ हमारे साथ फिल्म किए थे रामायण और शाद अली के साथ किए थे एसोसिएट में, वेरी टैलेंटेड गए। स्टार कास्ट बहुत बड़ी है इसमें, सतीश कौशिक जी बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं और मैं नहीं हूँ लेकिन बिटिया है। आप लोग जैसे मुझे आशीर्वाद दिए, कृपया हमारी बिटिया को भी देना। इसकी समस्त शूटिंग झारखंड में होगी, 50 दिन की शूटिंग और बहुत जल्द आप लोगों के सामने हमारी बिटिया आएगी और जिस तरह से उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को आनंद दिया दे रहा हूँ, बिटिया भी आप लोगों को उसी तरह परफॉर्मेंस के जरिए आनंदित करेगी, यही उम्मीद है और आप लोगों का आशीर्वाद सीखा रहा।